वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्हाइट एजुकेशन पे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबा के। आपके लिए स्पीडी साइंस क्यों जरूरी है मैंने आपको पहले वीडियो में बताया है। आज हम लेकर आएंगे 40 प्रश्न जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 35 लिखा गया है लेकिन ये 40 प्रश्न है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखिए, अगर आप बिहार दरोगा की परीक्षा को कवर कर रहे हैं या बिहार फायरमैन की, तो यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। स्पीडी साइंस आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लूसेंट पढ़ रहे हैं तो वेल गुड है, लेकिन स्पीडी साइंस को भी रूटीन में डालिए। यहां से बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, लेकिन ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो जब आपके पास अभ्यास रहेगा, नोट्स रहेंगे, तो आप पढ़ेंगे भी। तो ये सीरीज चलाया जा रहा है दोस्तों आपके उन परीक्षाओं के लिए। अगर आप SSC रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के इस पहले प्रश्न का। अगर आप लोग इसका PDF चाहते हैं तो आप लोग हमारे एप्लीकेशन पे जाके ज्वाइन करें, वहां पे इसके PDF सीरीज बाय सीरीज अपडेट किए जाएंगे। दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलते हैं आपको यहां से सीधे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां स्थित है? एग्जैक्टली आंसर कर लीजिएगा। हर क्वेश्चन के लिए 2 से 3 सेकंड समय देंगे, आपको आंसर करना होगा। ए इज द करेक्ट आंसर, त्रिवेंद्रम भी कहते हैं इसको, जो कि केरला में स्थित है। दोस्तों कहां पर स्थित है? केरला में स्थित है। इसके CM और गवर्नर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पे क्वेश्चन का आंसर कर लीजिएगा। इट्स अ, जी हाँ नोट कर लीजिएगा, माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको कहते हैं न्यूमिस्मैटिक। नोट कर लीजिएगा, आंसर क्या कर लेंगे? डी इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसमें बताने लायक कुछ है नहीं, तो इसको हम लोग आसानी से देखते हैं और एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अध्ययन से जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है, और संस्थानों से। सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहां स्थित है? बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, आपको बता दें कि सेलुलर और मॉलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र है दोस्तों कहां पर, तो हैदराबाद में। आंसर हमारा क्या कर लेंगे? हैदराबाद। हैदराबाद दोस्तों तेलंगाना की कैपिटल सिटी होती है, तो आपको यहाँ के CM और गवर्नर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान, जिसे हम लोग CCMB कहते हैं, वो भी भारत में है, और भारत भर में फैली हुई यह CSIR, ठीक है, CSIR, इसके बारे में आपको बता चुके हैं, इसकी एक विविध प्रयोगशाला भी है भारत में। दोस्तों आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश की राजधानी रह चुकी हैदराबाद, अब तो ये तेलंगाना की राजधानी है, यहाँ पर स्थित है। दोस्तों आपको बता दें कि जीव विज्ञान के आधुनिक और महत्वपूर्ण क्षेत्रों का भी यहाँ पर प्रयोगशाला है हैदराबाद में, ध्यान रखिएगा, जो कि अब तेलंगाना की राजधानी है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 5 पे। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोसिस अवस्थित है? बिल्कुल ये भी आपका हैदराबाद में है, डी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, जिसके हम लोग बारे में अभी बताएं आपको। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 6 पे। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा गया? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कर लीजिएगा दोस्तों। जी हाँ, यहाँ पे कार्ल लीनियस को कहा गया दोस्तों, कार्ल लीनियस को कहा गया। दोस्तों आपको बता दें कि ये स्वीडिश थे, यानी कि स्वीडन के ये दोस्तों वैज्ञानिक थे। जी हाँ, और ये वनस्पति शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र और जीव विज्ञान के शास्त्र में ये इनको उपाधि प्राप्त थी, और इनको दोस्तों द्विपद का नामकरण भी दिया गया था, जिसको कहा गया था आधुनिक, जी हाँ आधुनिक विज्ञान का अवधारणा का नींव रखने वाला। जी हाँ दोस्तों, नाम याद रखिए कार्ल लीनियस को, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 7 की तरफ। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पे अगर हम बात करें दो चीजों में होती है कोशिका। देखिए सजीवों की सभी जैव क्रियाओं को हम लोग कोशिकाओं के भीतर होती है, बिल्कुल हमारे अंदर भी, आपके अंदर भी है, ठीक है। तो कोशिकाओं का विधिवत अध्ययन को हम लोग कहते हैं यह साइटोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? इट्स अ सी साइटोलॉजी, या फिर इसको कहते हैं कोशिका जैविक, यानी कि सेल बायोलॉजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेल बायोलॉजी भी कहते हैं, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, नाम बदल के पूछा जा सकता है। सवाल नंबर 8 पे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हर सवाल के लिए 5 सेकेंड समय है यहाँ पे।
देखिए अगर हम बात कर ले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 की, तो ये है दोस्तों, जी हाँ, स्लेडन एंड स्वान ने किया था। आंसर यहाँ पे हम दो कर लेंगे, यानी कि बी कर लेंगे। जर्मन वैज्ञानिक थे दोस्तों स्वाइडन, और जंतु विज्ञान के थे दोस्तों स्वैन। ये दोनों नोट कर लीजिएगा, अपने अपने खोज के लिए इनको जाना गया, और कोशिका के बारे में इन्होंने भी अपना मत दिया था, याद रखिएगा, इन्होंने अपने विचार दिए थे, और उसे ही कोशिका सिद्धांत कहा गया। क्या कहा गया? कोशिका सिद्धांत, यानी कि एक थ्योरम दिया इन्होंने, अपने सिद्धांत दिया, अपने बारे में बताया इन्होंने यहाँ पे कोशिका के बारे में। इनके अनुसार जो है ना, कोशिका जो है सजीवों की संरचना और क्रियात्मक एक इकाई है। कोशिका क्या है? सजीवों के लिए, यानी कि जो जीव है हम लोग उनके लिए क्या है, ये रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये किसी भी जीव का उत्पत्ति कह गए, इनकी एक यूनिट कह गए इसको दोस्तों, ठीक है, जाने के स्लेडन और श्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? बिल्कुल आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इसको कहते हैं फाइकोलॉजी। आंसर क्या कर लेंगे? इट्स ए फाइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहां स्थित है? एग्जैक्टली, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है दोस्तों, याद रखिएगा, पुणे में। कहां पर स्थित है? इट्स पुणे में, नोट कर लीजिएगा। पुणे जो है दोस्तों महाराष्ट्र का एक शहर है, तो महाराष्ट्र की राजधानी कहां होती है? तो मुंबई है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और इसके सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे हैं, और गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी है। भगत सिंह कोश्यारी गोवा के अतिरिक्त प्रभार के गवर्नर हैं, ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में। सवाल नंबर 11, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहां है? बिल्कुल, मलेरिया रिसर्च सेंटर है दोस्तों दिल्ली में। कहां स्थित है? इट्स अ बी, दिल्ली में। आपको बता दें कि मलेरिया रिसर्च सेंटर को यहां पर खगेश्वर प्रधान की साजिश भी बताई गई थी, जिस सब में इसको स्थानांतरण किया जा रहा था, ठीक है, दिल्ली इसको स्थानांतरण किया गया था, और अभी दोस्तों राउरकेला से इसको स्थानांतरण किया गया था। तो ये ध्यान रखिएगा रिसर्च सेंटर के बारे में, लेकिन ये अभी फिलहाल दिल्ली में है। सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 12 पे, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है? बिल्कुल, ध्यान रखेंगे दोस्तों, अध्ययन के अनुसार अगर हम बात करें तो पहली बार अंगूर का उत्पादन करीब 6000 से लेकर 8000 ईसा पूर्व ही कर दिया गया था, अगर बात करें तो, ठीक है। और दोस्तों प्राचीन ग्रीस की बात करें तो पहली बार ये दोस्तों 4000 से लेकर यह 2000 ईसा पूर्व तक इसका दौरान बताया जाता है अंगूर का उत्पादन। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है संबंधित है, इसका अध्ययन किसमें होता है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करिएगा, इसको हम लोग कहते हैं डी, विटीकल्चर, ठीक है, डी, विटीकल्चर। सवाल नंबर 13, नेत्र रोग चिकित्सक कहलाते हैं? बिल्कुल, ध्यान रखिएगा, इनको क्या कहते हैं हम लोग? इनको कहते हैं ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, नोट कर लीजिएगा, इट्स ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, नोट कर लीजिए। इनको क्या कहते हैं? जो नेत्र के चिकित्सक होते हैं, डॉक्टर होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, इनको कहते हैं ऑप्थल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और चूंकि देखिए शरीर में हमारे अंगों में अगर देखा जाए तो नेत्र जो है ये एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर का। मानव नेत्र से हमें चीज़ों को देख पाते हैं, रंगों का भेद पता कर पाते हैं, जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं। इसमें होने वाले कुछ रोग भी हैं, जैसे कि आपको मोतियाबिंद हो सकता है, जैसे कि कॉर्निया में प्रॉब्लम हो सकता है, आपके लेंस में प्रॉब्लम हो सकता है, तो इनसे होने वाले काफ़ी रोग हैं। लेकिन आँखों के रोगों से बचाव के लिए कौन से विटामिन का उपयोग करते हैं, या तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। सवाल नंबर चलते हैं 14 पे, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बिल्कुल, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बरेली उत्तर प्रदेश में है, जो कि इज्जत नगर उस जगह का नाम है। सी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 15 पे, दोस्तों किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? बिल्कुल, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इसको कहते हैं आर्निथोलॉजी, आर्निथोलॉजी, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं पक्षियों का विज्ञान, ठीक है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों यहां से। और आपको बता दें कि ये जियोलॉजी की शाखा है, किसकी शाखा है? जियोलॉजी की शाखा है, और पक्षी यानी कि बर्ड्स, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। पक्षी दोस्तों आपको बता दें कि कई पहलू के संबंधित होते हैं, जिनका आंशिक और जो उच्च दृश्यता है वो पक्षियों के संदर्भ में ही यहाँ पे बताता है, इसको कहते हैं दोस्तों क्या? ऑर्निथोलॉजी। सवाल नंबर चलते हैं 16 पे,
प्लाज्मा अनुसंधान कहाँ स्थापना किया गया? तो ये गुजरात गांधीनगर में है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 17 पे, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था कहां पे है? बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये है दोस्तों करनाल, ए इज द करेक्ट आंसर। जी हाँ दोस्तों, कहां पर है करनाल, और करनाल कहां पर है तो हरियाणा में। तो हरियाणा के सीएम और गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 18 पे, वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए विषाणु विज्ञान की अगर हम बात करें, यानी कि वायरस की बात करें, वायरस साइंस की बात करें, तो सूक्ष्मजीव या विकृति विज्ञान की बात कर ले तो उसको हम मानते हैं। जैविक विषाणुओं की बात करें या विषाणुओं की हम बात करें अभी वर्गीकरण की या उनकी संरचनाओं की, तो हम लोग इसका अध्ययन करते हैं किसमें, तो वायरोलॉजी में। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 पे, भाभा परमाणु अनुसंधान पार्क कहाँ स्थित है? तो अगर आपका उत्तर आ रहा है यहाँ पे दोस्तों, इट्स ट्रांबे, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिए दोस्तों यहाँ पे, यह ट्रांबे जो कि मुंबई में ही स्थित है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों कहाँ पर है, मुंबई में, जो कि बार्क का क्या है दोस्तों, अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, भारत का प्रमुख अनुसंधान सुविधा केंद्र भी कहा गया है इसको, बार्क को, और ये बहुविषयक अनुसंधान केंद्र, यहाँ पे बहुत सारी चीजों पर डेवलपमेंट या रिसर्च किए जाते हैं। सवाल नंबर चलते हैं 20 पे, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये गुड़गांव हरियाणा में है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नोट कर लीजिएगा इसको, ब्रेन रिसर्च सेंटर है। सवाल नंबर चलते हैं 21 पे, जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? बिल्कुल ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं इट्स ए पैथोलॉजी में, नोट कर लीजिएगा। चिकित्सा शास्त्र में हम बहुत प्रकार के रोगों का अध्ययन करते हैं, जिसमें कि विभिन्न कारणों से वैज्ञानिक जो है यहाँ पे उसके ऊपर, उस विज्ञान के ऊपर विवेचना करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग कहते हैं क्या है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, इट्स अ पैथोलॉजी। ठीक है, अच्छा, एक पैथोलॉजी के अलावा यहाँ पे जो वैज्ञानिक होते हैं वो विवेचना और इसके ऊपर रिसर्च भी करते हैं, तो उसको कहते हैं इटियोलॉजी, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अगर ऊपर रिसर्च होने लग जाए इन जीवों के ऊपर जो कि उसमें पाए जाते हैं पैथोलॉजी में, और इनके ऊपर अगर रिसर्च हो जाए तो इसको कहते हैं इटियोलॉजी। सवाल नंबर चलते हैं 22 पे, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? बिल्कुल, जंतु विज्ञान में दोस्तों वर्गीकृत जब किया गया, वर्गीकरण किया गया, तो उसमें एक कीट भी शामिल किया गया, कीट विज्ञान को, जिसको हम लोग कहते हैं दोस्तों एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं दोस्तों? एंटोमोलॉजी, ए इज द करेक्ट आंसर। इससे संबंधित जितने भी तथ्य हैं हम लोग पढ़ते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, इसकी विशेषता जानते हैं, तो वो है दोस्तों एंटोमोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? एंटोमोलॉजी। सवाल नंबर 23, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बिल्कुल, लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने किया था, ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों। हम आपको अगर बात करें विज्ञान जगत की, तो जीव की संरचना, कार्य, विकास, उद्भव, पहचान, इनका सब वितरण जितना भी है वर्गीकरण को लेकर यहाँ पे आधुनिक विज्ञान और बहुत ही विस्तृत विज्ञान जिसको कहते हैं इसकी शाखा थी, यह जीव विज्ञान की यह शाखा है, ये नोट कर सकते हैं, जिसका की सर्वप्रथम खोज किसने किया, शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो लैमार्क और ट्रेवेरेनस ने। चुकी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रेवेरेनस दोस्तों 1801 की घटना है, यह ये ध्यान रखेंगे और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन यहाँ से 1801। सवाल नंबर 24 पे चलते हैं, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा गया? तो ये नाम बहुत ही ज्यादा फेमस है आप लोगों के बीच में, ध्यान, हिप्पोक्रेटस इज द करेक्ट आंसर। प्राचीन भारत आयुर्विज्ञान से भी अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो अग्रणी भूमिका निभाता है, महर्षि चरक और आयुर्वेद के भारत में चिकित्सा को भी जाना जाता है, उनको जनक ही माना जाता है भाई। लेकिन यहाँ पर अगर चिकित्सा शास्त्र की बात करें तो हिप्पोक्रेटस, आधुनिक भारत की बात करें तो, ठीक है, आधुनिक विश्व की बात करें तो चिकित्सा जगत में। सवाल नंबर चलते हैं 25 पे दोस्तों, ट्यूबरक्यूलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, इट्स चेन्नई या तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर, सी इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके परीक्षा में। चेन्नई दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी है, और यहाँ के सीएम और गवर्नर का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे आप। सवाल नंबर 26 दोस्तों, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? सेंटर फॉर
एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों मध्य प्रदेश का शहर इंदौर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंदौर शहर में है। और आपको बता दें कि ये मुंबई आगरा हाईवे पे स्थित है। जी हाँ दोस्तों, राजेंद्र नगर एक जगह है वहाँ पे, जहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे ये स्थित है, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, नोट कर लेंगे यहाँ से, इंदौर मध्य प्रदेश। सवाल नंबर 27 पे चलते हैं, मधुमक्खी पालन संबंधित है? बिल्कुल, अगर आप उत्तर करें दोस्तों इट्स अ बी, यानी कि एपी कल्चर से, तो आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें करीब 1 लाख व्यक्तियों की बड़ी कॉलोनी में रहते हैं, जो कि यूरोप और अमेरिका के बीकस पर्स और स्वाभाविक रूप से जो प्रबंधित प्रजातियां हैं, ये पश्चिमी मधुमक्खी जो होती है, इसको कहते हैं एपिस मेलिफेरा, नोट कर लीजिएगा, एपिस मेलिफेरा, ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। अच्छा, यहां से एपी कल्चर जो है ना, यहीं से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसका मधुमक्खी पालन जो है संबंधित किससे है, तो एपी कल्चर से संबंधित है, ओके, और ये व्यवहारिक प्रबंधन है, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। सवाल नंबर चलते हैं 28 पे, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बिल्कुल हम सिस्मोलॉजी कहते हैं इसको, आंसर बी कर लीजिएगा, और सिस्मोग्राफ से हम लोग इसको भूकंप को मापते भी हैं, ठीक है। सवाल नंबर चलते हैं 29 पे, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एग्जैक्टली, ध्यान रखिएगा दोस्तों, लिनियस जो कि आधुनिक जगत वनस्पति विज्ञान के जनक भी माने गए हैं, बी इज द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 30, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा गया? तो भाई अरस्तु सबसे फेमस, जी हाँ दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आ चुका है एग्जाम में, बिहार दुर्गा में भी पूछा गया है। सवाल नंबर नेक्स्ट, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ट्रेडमिल टेस्ट जो होता है दोस्तों, आपके हार्ट के लिए होता है, किसके लिए? हार्ट के लिए, तो आंसर ए कर लीजिएगा, हृदय के लिए यह टेस्ट जरूरी है, जो कि चिकित्सा जगत से संबंधित है। सवाल नंबर 32, होमो सेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो भाई ये कोई नाम अपना भूल सकता है क्या? मनुष्य का ही ये वैज्ञानिक नाम है, आंसर हम सी कर लेंगे दोस्तों। आधुनिक मानव जो है ना, ये स्तनपाई सर्वहारी के विज्ञान में इनको रखा गया है, जहां जहां पे इनका अध्ययन भी होता है, और जिनके अंदर सोचने समझने की और परिश्रम करने की योग्यता हो, उसे हम लोग होमो सेपियंस बोले हैं। सवाल नंबर चलते हैं 33 पे, स्वप्नों का अध्ययन, आप सपने तो देखते ही होंगे, उसका अध्ययन किस में होता है? बिल्कुल, स्वप्न के विषय के बारे में सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो हमें डॉक्टर सिगमंड फ्राइड ने बताया था, ठीक है, सिगमंड फ्राइड ने बताया था, लेकिन इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों, इसको कहते हैं ओनली, ठीक है, क्या कहते हैं? ओनली, ठीक है, इज द राइट आंसर। सवाल नंबर चलते हैं 34 पे, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? एग्जैक्टली, आंसर कर लीजिएगा, इट्स ए, लखनऊ में है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा, CSIR नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी आपका कहां पर है? लखनऊ में है दोस्तों, ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, और केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान जी है लखनऊ में। सवाल नंबर 35, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? बिल्कुल, फलों के अध्ययन को हम लोग कहते हैं दोस्तों पोमोलॉजी, आंसर ए कर लेंगे यहाँ पे, जो कि विज्ञान की एक शाखा है, और पोमोलॉजी शब्द जो है दोस्तों लैटिन वर्ड है एक, जिसका अर्थ क्या होता है? फल, ठीक है, पोमो का मतलब होता है फल। दोस्तों आपको बता दें कि ये सारे क्वेश्चन जो है आप लूसेंट में भी देख सकते हैं, ठीक है, लूसेंट बुक में, साइंस वाले बुक में आप जब पीछे की तरफ जाएंगे तो ये अध्ययन से जुड़ा हुआ एक पूरा चैप्टर दिया हुआ है, उसके बारे में सारा डिटेल बताया भी गया है, तो आप वहां से भी चेक जरूर कर लीजिएगा। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? मानव विकास का अध्ययन, बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं इसको, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? इट्स अ बी इज द राइट आंसर। मानव विज्ञान यानी कि एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं जीव विज्ञान, मानविकी और भौतिक विज्ञान की जानकारियों के ऊपर ही इसका अध्ययन करके मानव विकास के बारे में नई जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 37 पे, ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? बिल्कुल, अस्थियों के अध्ययन को करते हैं हम लोग यह ऑस्टियोलॉजी में, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। और एक एस्ट्रोलॉजी होता है, वो हम लोग करते हैं किसमें? तो हमारे ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन,
सूर्य चंद्रमा पृथ्वी वो एस्ट्रोलॉजी होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अस्थियों के बारे में तो अस्टियोलॉजी होता है दोस्तों, स्पेलिंग ये है, ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 38, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? तो ये औषधि संस्थान जो है दोस्तों ये भी आपका लखनऊ में है, ए इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा। सवाल नंबर चलते हैं 39 पे, केंद्रीय चावल अनुसंधान कहां स्थित है? इट्स अ कटक उड़ीसा इज द करेक्ट आंसर, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। कहां पर है दोस्तों? तो कटक में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे, कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये मैंने बता दिया शायद, लग रहा है ना, तो एंटोमोलॉजी कहलाता है दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और यहां से लिख लीजिएगा एक नंबर का क्वेश्चन जरूर रहेगा या अध्ययन से जुड़े हुए। तो ये 40 क्वेश्चन आपको यहाँ से, जो कि आप स्पीडी का हम लोग कवर कर रहे हैं आपको यहाँ पे, या साइंस, और आप लोग इसको लुसेंट से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। स्पीडी साइंस को हम लोग कवर कर रहे हैं, सीरीज आज 2 है इसका, पहला सीरीज भी जाके देख लीजिएगा। इसका पीडीएफ आपको चाहिए, जैसे कि बहुत लोगों के पास बुक नहीं होगा तो आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहाँ से? तो आप पीडीएफ ले सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से, एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में शाम को 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा। और हाँ, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं एप्लीकेशन पर बिहार एसआई का, जी हाँ दोस्तों, बिहार फायरमैन का आज 12 बजे सेट कराया जाएगा, तो उसको भी आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।